न्यूजीलैंड के हाथों भारतीय क्रिकेट टीम अपने घर पर 3-0 से हारी। इस हार पर खूब रिएक्शंस आए, लोगों ने भारतीय क्रिकेट टीम को जमकर सुनाया और अब इन रिएक्शंस पर टीम के सीनियर स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने रिएक्ट किया है। अश्विन का मानना है कि लोगों ने इस मामले में हद पार कर दी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपने यूट्यूब चैनल पर अश्विन बोले, मेरे लिए लोगों का रिएक्शन देखना बहुत मुश्किल था, लोगों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। सर, ये खेल है, मैं बस एक चीज कहना चाहता हूँ, इंडियन क्रिकेट के फैन के रूप में सभी को दुख हुआ, लेकिन मैं आपसे एक वादा कर सकता हूँ, ड्रेसिंग रूम में बैठे प्लेयर जितना किसी को दुख नहीं हुआ, इसलिए इस दुख पर शक करना आपराधिक है, क्योंकि प्लेयर्स करियर बनाते हैं और फील्ड पर वो जो भी करते हैं उससे उनका करियर खत्म हो सकता है। इसलिए मैं मानता हूं कि किसी के भी द्वारा चरित्र हनन नहीं करना चाहिए। अश्विन ने ये भी कहा कि इस हार के बाद वो भी संत थे। अश्विन बोले, न्यूजीलैंड ने हमें 3-0 से हराया, मैंने पढ़ा कि ये भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, मुझे नहीं पता कि इस पर कैसे रिएक्ट करें, मुझे पता है कि मेरे करियर और क्रिकेट में मेरा जो भी अनुभव है उसमें हम खेलते वक्त बहुत ज़्यादा इमोशन से नहीं घिरे होते, लेकिन ये बहुत तोड़ देने वाला अनुभव था, इसके लिए यही सही शब्द है। 2-3 दिन तक मुझे पता ही नहीं था कि इस पर कैसे रिएक्ट करें। अश्विन ने ये भी कहा कि उन्हें खुद से बहुत उम्मीद रहती है। अश्विन बोले, मैं खुद से बहुत उम्मीद करता हूँ, मैं वो व्यक्ति हूँ जो कहता है कि जो भी गलत हुआ उसका कारण मैं ही हूँ, मैं भी इस हार का बड़ा कारण और बड़ा हिस्सा रहा हूँ, मैं बल्ले से ज़्यादा योगदान नहीं दे पाया, एक बॉलर के रूप में मुझे पता है कि बॉलर के लिए रन्स बहुत ज़रूरी होते हैं, मैंने कई जगहों पर अच्छी शुरुआत की, फिर कई मौक़ों पर मैं शुरुआत का फ़ायदा नहीं उठा पाया, मैंने अपना बेस्ट दिया लेकिन ये काफ़ी नहीं था। न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली हार से पहले भारत ने अपने घर में लगातार 18 टेस्ट सीरीज जीती थी। दिसंबर 2012 में ये आखिरी बार इंग्लैंड से हारे थे, लेकिन पहले बेंगलुरु और फिर पुणे में मिली हार के साथ ही इनका ये सिलसिला टूट गया। इस हार के बाद तमाम प्लेयर्स के साथ हेड कोच गौतम गंभीर भी लोगों के निशाने पर आ गए। कई फैंस ने तो सबसे ज्यादा रोहित शर्मा और विराट कोहली को सुनाया। तमाम आलोचना के बाद BCCI ने भी इस सीरीज का रिव्यू किया। 6 घंटे तक चले रिव्यू में सेक्रेटरी जय शाह, प्रेसिडेंट रॉजर बिनी के साथ सिलेक्शन कमेटी के चीफ अजीत आगरकर, कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर उपस्थित रहे। इसमें तमाम चीजों पर चर्चा हुई। चर्चित विषयों में मुंबई टेस्ट से जसप्रीत बुमराह को आराम देना, मुंबई में रैंक टर्नर बनवाना और गंभीर की कोचिंग स्टाइल भी शामिल रही। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने, मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।